बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये एक और तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ सनकी लोग बेरहमी से तीन महिलाओं के सिर मुंडवा रहे हैं और भीड़ तमाशा देख रही है। गांव के लोगों का ये कहना है कि इन महिलाओं पर डायन का साया है, इस वजह से पहले उन्हें गंदगी भरा पानी पिलाया गया, फिर सिर मुड़वा दिया गया। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को अर्ध नग्न करके पूरे गांव में घुमाया भी गया। ये घटना बिहार की राजधानी पटना से महज 75 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र की है। यहां पर गांव की पंचायत ने तीन महिलाओं को डायन बताकर हैवानियत भरी सजा दे डाली। इस दौरान महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की ये भीड़ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रही है। गांव वालों द्वारा दी गई इस तालिबानी सजा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन द्वारा इसकी पड़ताल की जा रही है। वहीं इस घटना पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय छात्र नेता का कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार पर बिना देरी किए कार्रवाई हो और दोषी पुलिस अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई हो। मुजफ्फरपुर जिला के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरामा गांव में डायन का आरोप लगा करके महिलाओं को जो बाल मुंडवा करके और चंदन टीका करके गांव में घुमाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है वह घोर निंदनीय है। प्रशासन अभी तक 5 घंटे हो जाने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ पता चलता है कि मुजफ्फरपुर जिला में सुशासन बाबू का जो ढोंग है वह ढोंग पूरी तरह से फेल हो चुका है। मुजफ्फरपुर जिला में तो अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है वह तो बहुत चरम सीमा पर है। और इस तरह के महिलाओं का उत्पीड़न के नाम पर जो नीतीश बाबू कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आरक्षण देते हैं, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की हमेशा बात करते हैं, लेकिन एक तरफ महिलाओं पर अत्याचार होते जाती है लेकिन नीतीश बाबू के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर इस अविलंब वहां के जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मियों पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग विपक्ष में होने के नाते हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे और ये आम जन तक ले जाने का काम करेंगे और ये कुकृत्य को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। नहीं तो सरकार अविलंब कार्रवाई करे और जो दोषी पुलिसकर्मी भी है उसको तुरंत बर्खास्त करे। मुजफ्फरपुर में चाहे अपराध, हत्या, लूट, डकैती या महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, सूबे में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। एसडीओ का यह कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के कई गांवों में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले ऐसे कई वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं। ऐसे में प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।